अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन प्रोग्राम के वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। आज भी जुर्म की बहुत सी कहानी और मुजरमों के अंजाम लेकर हाजिर हुए हैं। जो आज का रन डाउन है उसके अंदर कुछ अहकाम हैं सिंध हाई कोर्ट के। सिंध हाई कोर्ट ने DIG और SPs की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को गैर कानूनी करार दे दिया है और IG की मुशावरत इस हवाले से लाजिम करार दी है। फिर उसके बाद बात करेंगे तबादलों की। वो तबादले जो मुफाद आमा में किए जाते हैं उसमें अवाम का मुफाद कितना होता है और अवाम की जेब के ऊपर डाका कितना डलता है। इसके अलावा FBR की बात करेंगे कि जाली रिफंड के जरिए करोड़ों रुपए निकलवा लिए गए, एक अफसर को मुआफ कर दिया गया, एक को सजा दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हैरान भी है और कुछ परेशान भी। इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। क्या कोरोना वायरस पाकिस्तान के बकरों और बकरियों के अंदर भी आ चुका है? एक पोस्ट इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत ज्यादा वायरल भी है, जिसमें यह कहा गया है कि कोरोना वायरस बकरों और बकरियों के अंदर आ चुका है, इसलिए मीट खाने से गुरेज करें। हम आपको बताएंगे इस पोस्ट की हकीकत क्या है। प्रोग्राम का आगाज करना है और आगाज से पहले अपने पैनलिस्ट का आपके साथ तारुफ करवाना चाहूंगा। बैरिस्टर असलम शेख आज प्रोग्राम के अंदर शामिल है, माहिर कानून है, अपने शोबे से मुतालिक अपनी आरा का इजहार करते रहेंगे। बात करेंगे हम सिंध हाई कोर्ट की। सिंध हाई कोर्ट जहां पर DIG और SP की तकरियों को और ट्रांसफर्स को गैर आईनी करार दे दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया है कि IG की मुशावरत इस हवाले से लाजिम थी, जो मुशावरत नहीं की गई। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद इस वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद है। नदीम शहजाद से जान लेते हैं कि यह कहानी है क्या। जी नदीम शहजाद जी, IG सिंध के हवाले से जो उनके ट्रांसफर के हवाले से बात की जा रही थी, इस पर सिंध हाईकोर्ट के अंदर सिविल सोसाइटी की जान से केस फाइल किया गया था कि IG सिंध को हटाया जाने का जो तरीकेकार अपनाया गया है ये पुलिस एक्ट 2019 के जो आईनी तरीकेकार के बरखिलाफ है और ये दुरुस्त नहीं है। इस पर हाईकोर्ट के अंदर जो समाअत थी उसमें इस केस को निपटा दिया गया और ये रिमार्क जो है जज की जान से ये भी कहना था कि क्या आए रोज इसी तरीके से IG की तब्दीलियां और तकरियां होती रहेंगी कि सिविल सोसाइटी से कोई नासर जबरान उठे, कोई IG सिंह के मामला पर ये तय करे। नहीं, इस हवाले से ये मुतलका जो एक मुकाम है उनको चाहिए कि इस पर बाकायदा तौर पर ट्रांसफर के तरीकाकार को वाजे किया जाए। जो इनके हटाए जाने का जो तरीकेकार है ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से अभी हालिया तौर पर देखा जाए तो IG सिंह को हटाने के लिए सिंध गवर्नमेंट की जानब से जो मौकफ अख्तियार किया गया था कि इन पर जो अदम एतमाद और मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज लाए गए, और इसके साथ ही IG सिंह ने भी एक बयान जारी किया जिस पर उनकी जानब से ये कहना था कि मुझे हटाया जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो कानूनी नुक्ते नजर से उनकी ये बात थी कि चाहिए। नदीम शहजाद, ये मामला तो चल ही रहा है और 80 के करीब ये पोस्टिंग और ट्रांसफर थी जिनको गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया गया है। आपने IG सिंध के मामले को भी छेड़ा है, आज भी ये बाजगश्त सुनाई दे रही है IG के तबादले के हवाले से, बल्कि आज तो IG सिंध कलीम इमाम ने वजीर आजम से भी मुलाकात की और मुलाकात बजाहिर इंतहाई खुशगवार मूड में थी और यूं महसूस होता है कि वजीर आजम ने उन्हें कोई नए टास्क भी दिए। वजह तनाजा क्या है, आखिर कैसा मामला क्या है? IG सिंध क्यों कर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे सिंध गवर्नमेंट को? वो कोई गैर कानूनी काम करते हैं, वो सिंध हुकूमत के अहकाम मानने से इनकार करते हैं, आखिर इशू क्या है, प्रॉब्लम कहां पर है? जी, सिंध के अंदर मामला शुरू से देखा जाए तो सबका DIG जो है AD ख्वाजा के साथ भी तफजात रहे, क्योंकि जो ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर है जो मेरिट पर फैसले करे, मेरिट पर जितने भी कानून के तकाजों को पूरा करे, जिस तरीके से बिले इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही थी, इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट को ये तफजात है कि उनके जो वजरात है या अंदरून सिंध के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है, जहाँ जो सियासी इनके रहनुमा है उनकी इजारादारियां कायम है, पुलिस ने वो तोड़ी थी, कुछ ऐसी अफसरान की एक बंगश है जो उनकी तैनाती की गई सक्कर कश्मीर की जान से सक्कर के अंदर डॉक्टर रिजवान गए तो उन्होंने वहां पर तैमूर तालपुर जो MPA थे उन पर FIR काट दी, जिसके साथ ही जो अली मादल शेख थे इन पर, यानी अली मादल शेख अपने यहाँ पर जो सईद गनी थे, सईद गनी के भाई जो फरहान गनी, उनकी एक JIT रिपोर्ट जो वो वाजे हुई, ये वो तमाम तर तहफात थे जिन पर सिंध हुकूमत को थे कि IG सिंध हमारी मान नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने IG सिंध के इख्तियार भी महदूद किए थे। लेकिन इस हवाले से ये तमाम तर वो कोशिशें काविश है कि वो इख्तियार कम करने पर SSC और SHO के तबादले तक सिंध गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिए थे। ये एक केस भी था जो पहले से था SSP और DIG की तकरियों के हवाले से, जिसमें कुछ अफसरान को जिला बदर भी कर दिया गया था।
पास बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। सईद गनी से मुतल्लिक हमारे रिपोर्टर ने बात की। सईद गनी ने आज भी मीडिया से गुफ्तगू की। सईद गनी का इस हवाले से क्या कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है, चूंकि सईद गनी एक अहम रुकन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सिंध से उनका ताल्लुक है, इसलिए उनका कहा हुकूमत का कहा ही तसव्वुर होता है। सो हुकूमत सिंध इस हवाले से क्या कहती है, आज सिंध हुकूमत ने क्या कहा है, सुन लीजिए। पीर के दिन, जो पीर अब गुजर गया है, आज गालिबन 29 है तो 27 तारीख को जो पीर था उस दिन ये काम हो जाएगा, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा। पीर को वज़ीर आज़म साहब कराची तशरीफ लाए, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की दरख्वास्त की, वज़ीर आला साहब की दरख्वास्त पर वो मुलाकात हुई, उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्कस हुई, लेकिन IG सिंध के मसले पर जो 5 नाम हमने उनको दिए थे उन 5 नामों पर बात हुई, एक एक नाम को लेके अलग अलग बात हुई, जो कंसल्टेशन कहते हैं वो प्रॉपर कंसल्टेशन दोबारा हुई, आमने सामने बैठकर हुई, और उन 5 नामों में से एक नाम पर वज़ीर आज़म साहब ने भी इत्तफाक किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इत्तफाक किया। फिर हमें तवक्कु ये थी कि चूंकि इत्तफाक हो गया है लिहाजा अब ये नोटिफाई हो जाएगा और नया सिंध का IG जो है वो तैनात हो जाएगा। फिर ये बात सामने आई कि नहीं जनाब, ये जो मसला है वो काबीना के सामने जाएगा। मैंने खुद शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने कहा था कि चूंकि लफ्ज़ गवर्नमेंट इस्तेमाल हुआ है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कंसल्टेशन होनी है, तो चूंकि हमारी सूबाई काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है तो ये एक रस्मी मंजूरी जो है वफाकी काबीना से लेने की शायद कोशिश हो रही है, तो अगर कानून यही है तो बिल्कुल कर लें, लेकिन ये कानून पंजाब के IGs की तैनाती के वक्त, खैबर पख्तूनख्वा की IGs की तैनाती के वक्त या इस्लामाबाद में IGs की तब्दीली के वक्त ये कानून जो है वो फॉलो नहीं किया गया। अगर तो काबीना वफाकी काबीना से किसी भी IG की अपॉइंटमेंट की मंजूरी लेना ज़रूरी है तो फिर पंजाब में, KP में और इस्लामाबाद में जितने IGs लगाए गए हैं वो सारे के सारे गैरकानूनी हैं, और वो सारे के सारे फैसले जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वापस होने चाहिए और दोबारा काबीना से मंजूरी लेके उनको किया जाना चाहिए। बस असलम शेख साहब, एक मैकेनिज्म मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के IG की तब्दीली कैसे होगी। 3 साल के लिए एक टेन्योर दिया जाता है कि कोई भी पोस्टिंग होगी वो कम से कम 3 साल के लिए होगी। 3 साल के बाद अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो ड्यू प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। अब यहां पर हालात ये हैं कि 3 साल पूरे होने में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पुलिस रूल्स जो है वो इस बात की इजाजत देते हैं कि अगर आप किसी सरकारी अफसर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो उसकी तब्दीली के लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। अब दूसरी बात यहां पर ये आती है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी तो फिर पूछा जाएगा सिंध हुकूमत से कि सिंध हुकूमत इस बात की जिम्मेदार है। सो हमारे आईन में अभाम है, पुलिस रूल्स के अंदर अभाम है, हमारी नीयतों में फतूर है। आपको इस सारी सूरत हाल में क्या नजर आ रहा है? तीनों तरफ से अभाम मौजूद है, आईन के अंदर भी अभाम मौजूद है, पुलिस रूल्स जो है वो भी क्लियर नहीं है, और सबसे जो मज़ेदार सूरत हाल इसमें वो ये बनती है कि जो 18वीं तरमीम आई है उसके अंदर जब से हमने सूबाई खुद मुख्तारी का एक नारा और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया हमने, तो उस वजह से ये अभाम मौजूद है। चूँकि IG और जो स्पेशली चीफ सेक्रेटरी के जो 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 पोस्टिंग और ट्रांसफ़र है वो इख्तियार वफाक के पास अभी तक मौजूद है। अब यहाँ पर आकर एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल बन जाती है। जब भी वफाक ही अपना इख्तियार इस्तेमाल करने लगता है तो सूबों के तहफ़ात सामने आते हैं। अब ग्राउंड रियलिटीज़ ये बनती हैं वहाँ पर कि सूबे में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के है, शहरी इलाकों में MQM बरसर इकतदार है। अब जब भी यहाँ से कोई IG वफाक से जाता है तो वो अगर किसी एक पार्टी की बज़ाहिर नज़र आता है कि साइड ले रहा है या उनका करीब है, उनका मंजूर नज़र है, दूसरी पार्टी इसको शोर मचा देती है। अब सूरत हाल सिंध के अंदर जो अंदरूनी सिंध है और गंभीर है, वहाँ पर एक वडेरा सिस्टम आप जानते हैं मौजूद है। वडेरा सिस्टम जो है वो ना लॉ को मानता है, ना आइन को मानता है, और ना ही बाकी जो प्रिंसिपल हैं अखलाकियात उनको मानता है। उनकी अपनी छोटी छोटी हुकूमतें कायम हैं और वहाँ पर जब इंटरफेरेंस आता है पुलिस का या कानून का तो वहाँ पर वो बेबस नज़र आता है। अब इन सारी सूरत हाल को देखने के लिए अच्छा बैसे साहब, यहाँ पर जो इंटीरियर सिंध की बात है जहाँ पर हमने अभी आपने जिक्र किया कि छोटी छोटी हुकूमतें कायम हैं, अपनी अपनी सल्तनतें बना रखी हैं वहाँ के वडेरों ने, वो वडेरे परवेज इमाम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो इस तब्दीली के खिलाफ है। वज़ीर आज़म जब ये असूली तौर के ऊपर वज़ीर आला सिंध के साथ तय करके आए कि IG को हमने तब्दील कर देना है, कोई नया IG आएगा सिंध में, तो फिर वो वडेरे, वो अंदरूनी सिंध के जो अरकान कौमी असम्बली हैं जिसे GDA कहा जाता है, GDA ने इस मामले के ऊपर स्टैंड लिया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को एक मर्तबा फिर यू टर्न लेना पड़ा।
जी, ये भी देखें, बदकिस्मती की बात है कि कोई भी एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी जो है वो खड़ा हो किसी एक सरकारी अफसर की फेवर में, हालांकि कानून और आइन हमें ये बतलाता है, ये मौजूद है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो कानून और आइन के मुताबिक परफॉर्म करनी है, इसमें किसी की फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। अब जब यहाँ पर ये सूरत हाल आती है तो फिर डेफिनेटली दूसरी पार्टी जो है वो इसको अपने अगेंस्ट मानती है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बेशुमार फैसला जो मौजूद हैं इस बारे में कि ट्रांसफ़र का और पोस्टिंग का एक तरीक़ाकार जो मरवजा है उसके मुताबिक इन पोस्टिंग को इस्तेमाल किया जाए, इनके चूँकि असल काम यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करना है, ना सिर्फ अपर सिंध में बल्कि लोअर सिंध में भी। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल चूँकि सियासी शुरू हो जाती है और सियासी जो धींगा मचती है उसके अंदर हम देखते हैं कि आवाम पिसते हैं, कानून और आइन की हुक्मरानी आपको शहरी इलाकों में कुछ नज़र आएगी और बाकी जो लोअर सिंध है उसके अंदर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, तो इस वजह से ये सारे मामलात। और ये हमारे वजीर आजम जो हैं बशर साहब, ये वही वजीर आजम है ना, जब अपोजिशन के अंदर होते थे तो कहते थे थाना कचहरी कल्चर को तब्दील करेंगे, सियासी पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स के ऊपर हम जो है कदगन लगाएंगे, लेकिन आज वही सियासी पोस्टिंग वही ट्रांसफर्स हो रही हैं। अब जो 18वीं तरमीम के बाद मामलात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, अमन अमान के, वो सिंध हुकूमत के पास होने चाहिए असूली तौर के ऊपर, और फिर सिंध हुकूमत ही अपने आवाम को जवाब दे होगी सिंध के लोगों को। लेकिन अब चूंकि एक तरीक़ाकार मौजूद है और वो पुराना तरीकाकार चल रहा है, तो इस अवहाम को दूर करने के लिए क्या किया जाए? क्या कोई हमें पुलिस एक्ट के अंदर तब्दीली करने की जरूरत है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई तब्दीली की वजह बनती है? हमारे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने गुज़श्ता दिनों इस बात को बड़ा खूबसूरती से क्लैरिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब मैं स्टेज से गिरा था उसके बाद मुझे एक टीका इंजेक्शन लगा था, वो इंजेक्शन लगने के बाद जो इमरान खान साहब दुनिया के सामने आए वो इंटायरली डिफरेंट है, उससे पहले वो जो फरमाते रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो लॉ एंड ऑर्डर और कानून का और कानून का एहतराम और मुल्क के अंदर जो प्रोग्रेस की बात करते थे, और जब वो इंजेक्शन लग गया उनको और उसके बाद की सूरत हाल ये है कि अब वो सब चीज़ें भूल चुके हैं, या तो एक और इंजेक्शन उनको लगे तो वो अपनी सारी याददाश्त वापस आए और उनको पता लगे कि वो जो हूरें उनको नज़र आ रही थी वो हूरें मौजूद नहीं हैं, वो नर्सें ही थी जिनकी जिन्होंने उनकी खिदमत की और वो इस काबिल हुए कि दोबारा मुल्क के अंदर वो। खान साहब ने तो ये कहा कि मैंने डॉक्टर को डांटा भी लेकिन डॉक्टर दोबारा इंजेक्शन लगाने के ऊपर राजी नहीं है, अब पूरी कौम उसकी डॉक्टर की मिन्नत तला और समाजत करती है कि खुदारा एक इंजेक्शन और दे दो, शायद हमारे हालत हजार जो है वो वजीर आजम को नजर आ जाए। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही, आप देखें कि हम कराची से पेशावर और उसके बाकी जो इलाके हैं हमारे फाटा एरियाज जो हैं, किसी भी जगह आप देख लें हर तरफ बेचैनी है, आवाम जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है, महंगाई इस हद तक बढ़ गई है। अब उन्होंने एक और बयान दाग दिया, उन्होंने कहा कि मुझे महंगाई के हवाले से मिसगाइड किया जा रहा है। अब बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इस किस्म के बयानात जो हैं वो कोई माने नहीं रखते और वो ऐसा लगता है कि ये नाहली नहीं है। बिल्कुल नाहली है, बिल्कुल नाहली है। अब उसी के सिलसिले में आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हो रही थी तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमाया कि हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपना पोर्टफोलियो के मुताबिक ना तो उनकी कोई परफॉर्मेंस है और ना ही उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी काबिल जिक्र है आप पिछले 2 साल में कि उनके मुताबिक उनको पोर्टफोलियोज उनको दिए जाएँ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हुए रशीद साहब उनकी काफ़ी सरजनिश हुई है, तो अभी तो उनकी सरजनिश बैशर साहब अगली पेशी के ऊपर मतवक्को है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है वो बेहतर समझती है कि उसने क्या करना है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जब इन्होंने ये कहा कि जो रहीम यार खान के तेजगाम को आग लगी थी वो सिलेंडर फटने से लगी थी, इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है सामने और इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया कि ये शॉर्ट सर्किट था और ये रेलवे की गफलत थी, निकाला किनको गया, किन लोगों को जिम्मेदार करार दिया, गेट कीपर्स को और टिकट चेकर्स को, लेकिन दर हकीकत जो जिम्मेदार इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर ठहराए गए वो बड़े बड़े अफसरान हैं और उनके ऊपर हाथ डालने के लिए ना शेख साहब तैयार हैं ना कोई और तैयार है। अब आते हैं असल खबर की जानिब जिसमें ये कहा गया कि 80 अफसरान के तकरर और तबादले जो है वो गैर आइनी है क्योंकि आईजी से मुशावरत नहीं की गई। एक जानिब हुकूमत सिंध ये कहती है कि आईजी की तब्दीली के वक्त या आईजी को तकरर करते वक्त हमसे मुशावरत नहीं की जाती, दूसरी जानिब जब मातहत अफसरान के तकरर और तबादले किए जाते हैं तो पूछा तो आईजी से भी नहीं गया। क्या कहेंगे बैशर साहब यहां पर, कानून क्या कहता है, क्या वही कहता है जो सिंध हाई कोर्ट की मंशा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, चूंकि पुलिस ऑर्डर जो है 2002 का और बाकी जो पुलिस रूल 64 के उसके अंदर यही कहा गया है कि चूंकि पुलिस का चीफ एग्जीक्यूटिव जो इदारा है जो 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 शख्सियत है वो आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उसकी मुशावरत के बगैर
जो सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, किसी भी पुलिस अफसर का ना तकरर कर सकती है ना तबादला कर सकती है, क्योंकि ही इज द बॉस, वही द बॉस, और उसी ने ही जवाबदेह होना है उन सबका। और वो बेहतर जानता है कि वो सरकार जो जो पुलिस अफसरान हैं उनकी एक्सपर्टीज़ किस मामले में है, वो इन्वेस्टिगेटिव जो जो ऑफिसर बेहतर हैं या वो अपना ऑपरेशंस में बेहतर हैं या वो दफ्तरी अमूर में बेहतर हैं या उनकी और कोई एक्सपर्टीज़ हैं, तो इसलिए उनसे काम लेना और मुकम्मल काम लेना ये सर आईजी की जिम्मेदारी है और उसी का काम है। तो हाजा सिंध हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है कि उसकी कंसल्टेशन के बगैर इनका तकरर तबादला ना किया जाए। जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर हमने अभी बात की कि उनको अपने कॉल ऑफ फेल के हवाले से नजरसानी की जरूरत है, इसी तरह सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो बात करते हुए ये जरूर सोचे कि अगर कोई बात किसी दूसरे के लिए गलत है तो जो वो काम कर रहे हैं वो उसी अंदाज के अंदर अगर किया जाएगा तो वो भी दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप ये समझते हैं कि मुराद अली शाह सूबे के बॉस हैं, इसलिए वहां पर आईजी उनकी मर्जी से लगना चाहिए, तो फिर आईजी सिंध के हवाले से भी ये आपको खातर जमा रखनी चाहिए कि उनके मातहत अफसरों के तकरर और तबादले उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होने चाहिए। ये तकरर और तबादले होते क्या हैं? हर तकरर और तबादले के एंड के ऊपर लिखा होता है कि ये मुफाद आमा के तहत किया गया, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, बल्कि इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ये जुमला हर नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होता है। लेकिन ये किस हद तक मुफाद आमा में होते हैं, ये मुफाद आमा में होते भी हैं या नहीं होते? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर उमर बाबर मौजूद हैं और काफी तहकीक की है उन्होंने इस हवाले से, उनसे जान लेते हैं ये तकरर और तबादले अवाम की जेबों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, अवाम की जेबों के ऊपर डाका होते हैं या वाकईतन उनके मुफाद में होते हैं। जी उमर जी, राय साहब, अगर हम 2 माह का जायज़ा लेते हैं पंजाब में, तो पंजाब में तकरीबन 200 से ज़ायद जो हैं वो SDPO और ASPs जो हैं उनके ट्रांसफ़र किए गए हैं। एक मरतबा शुरू में ही जैसे ही ये नए IG साहब आए थे तो 80 से ज़ायद जो हैं वो SDPO एक ही मरतबा में चेंज कर दिए गए। अगर हम इनका जायज़ा लें कि आया के ये जो ट्रांसफ़र्स हैं जिनको हम देख रहे होते हैं कि ये इतने जो ऑफिसर्स हैं उनको तब्दील कर दिया गया, इनका असर जो है वो पंजाब पुलिस या फिर इंतजामी उमूर पर तो पड़ता ही है, माली लिहाज से भी ये इंतहाई खतरनाक है। क्योंकि जैसे ही किसी भी ऑफिसर का तबादला किया जाता है तो उसको कुछ TA DA भी दिया जाता है, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो एक बेसिक सैलरी जो है, तनख्वाह जो है वो TA की शक्ल में दी जाती है। उसके बाद जो लैगेज कैरी करना होता है उस ऑफिसर ने, उसकी जो फार्मुलेशन है वो बुनियादी सी फार्मुलेशन मैं आपको इख्तसार के साथ बताता हूं। उसमें यह होता है कि 4500 ज़रब 0.02 ज़रब पर किलोमीटर, यानी कि ये 45,000, अगर हम 500 किलोमीटर का डिस्टेंस रखते हैं कि उस ऑफिसर ने जाना है, एक तो उसको फ्यूल मिलेगा 10 × 500, यानी कि 5,000 के करीब उसको फ्यूल मिलेगा, और उसको लैगेज कैरी करने के लिए कम से कम 45 से 50,000 रुपए मिलेंगे TA की शक्ल में। और इसी तरह दीगर जो अलाउंसेज हैं उसमें एक बेसिक सैलरी भी है, अगर 17 ग्रेड की बेसिक सैलरी हम देखें तो 45 से 50,000 रुपये वो बनती है, यानी कि एक ऑफिसर का जो तबादला है वो आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के दरमियान में पड़ता है। यानी कि अगर आप 80 ऑफिसर्स के एक ही साथ तबादले कर रहे हैं तो ये 1 करोड़ रुपए आप जो है बजट में से निकाल कर ट्रांसफर्स के ऊपर लगा रहे हैं। और दूसरी जानिब जब अब हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि थानों के ऊपर कितना पैसा लग रहा है, तो राय साहब बड़ी ही हैरानकुन फिगर है ये कि पुलिस का जो बजट है वो 85% बजट जो है वो तनख्वाहों और इसी तरह जो पेंशन हैं उनमें चला जाता है, जबकि एक IO के लिए जो मुख्तिस किया गया बजट है कि उसने केस की जो तफ्तीश करनी है उसको सिर्फ 450 रुपए के नजदीक पैसे मिलते हैं एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और उमर आप होश में तो हैं, आप क्या बात कर रहे हैं कि एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ 450 रुपए? जी बिल्कुल, तकरीबन इतने ही पैसे। और इससे ज्यादा जो खतरनाक सिचुएशन है वो ये है कि एक थाने को जो फ्यूल मिलता है वो तकरीबन 300 लीटर यानी कि एक गाड़ी को रोजाना का 10 लीटर फ्यूल मिलता है, और एक थाने के अंदर कम से कम 2 से 3 गाड़ियां होती हैं। जी बिल्कुल, 2 से 3 गाड़ियां होती हैं, लेकिन और फिर DSP की गाड़ियां अलग हैं, SP की गाड़ियां अलग हैं, वो अलग हैं जो ऑपरेशन के लिए काम आती हैं, वो 2 से 3 गाड़ियां हैं। तो ये सारी एवरेज निकाली जाए तो रोजाना 2 लीटर फी गाड़ी को पेट्रोल मिलेगा और उसकी जो पेट्रोलिंग है अगर हम एवरेज निकालें वो 8 से 10 किलोमीटर बनती है, तो ये 15 से 20 किलोमीटर एक गाड़ी गश्त करेगी। तो बाकी पैसे कहाँ से आते हैं, किस तरह ये सारा सिस्टम चल रहा है?
बाकी पैसे जी, जाहिर बात है जो शिकायत आपके पास आती है कि पुलिस से रिश्वत स्थानी का जो निज़ाम है वो नहीं जा रहा, पुलिस असलाहत नहीं हो पा रही, पुलिस जो है बदतमीजी करती है, या फिर पुलिस आने वाले जो साहिल से पैसे मांगती है, तो पुलिस पैसे क्यों ना मांगे? जब एक आईओ को आप 450 रुपए देते हैं कि आप पूरा केस जो है वो इन्वेस्टिगेट करके दें, तो आईओ वो पैसे कहाँ से लेकर आए? इसी तरह अगर हम थानों की बात करते हैं तो 127 के करीब जो थाने हैं वो अनऑफिशियल बिल्डिंग्स में हैं पंजाब के अंदर, के उनके पास अपनी बिल्डिंग ही मौजूद नहीं है। इसी तरह और कई जरूरियात हैं जो अभी पुलिस की पूरी नहीं हो पा रही, बजट ही पूरा नहीं हो पा रहा, और दूसरी जानिब जैसा कि 2 सालों में हम 5 आईजी जो हैं वो पंजाब के अंदर तब्दील कर चुके हैं, और उन तमाम 5 आईजीज को तब्दील करते हुए हमारे जो हैं खर्चे भी आए होंगे, और इसी तरह TADA भी दिया गया होगा, और जबकि दूसरे जो अब इसमें राय साहब ये जो बड़ा मुहतात फिगर है जो 200 मैं बता रहा हूं, 200 का अगर ट्रांसफर किया गया है तो 200 आए भी होंगे, यानी कि 400 के नजदीक तो आप SDPO और ASP चेंज कर रहे हैं। अगर इसमें इंस्पेक्टर्स और दीगर जो है हम इंस्पेक्टर हैं, DSPs हैं, कांस्टेबल्स हैं, जी बिल्कुल, अगर हम वो शामिल कर लेते हैं तो ये तो फिगर बहुत ऊपर चला जाता है, और उसके बाद उसके जो TADA आप निकालते हैं तो आप करोड़ों रुपए जो है वो सिर्फ ट्रांसफर्स के ऊपर झोंक देते हैं, तो पुलिस इस्लाहात किस तरह से हो पाएंगी, आम आदमी को इंसाफ किस तरह से मिलेगा? आपका आधे से ज्यादा बजट या फिर बजट का एक खासा बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसफर और पोस्टिंग में ही जाया हो रहा है। दूसरी जानिब एक तरफ कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी, अभी जैसा कि आप पुलिस इस्लाहात पर बात कर रहे थे तो सबसे पहले जो इस्लाहात की गई थी वो 1861 में अंग्रेज दौर में की गई थी आजादी से कबल, उसके बाद 2002 में मुशर्रफ दौर में की गई, 2017 में KPK में की गई थी। अभी एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी, उस कमेटी में जो सबसे अहम तजवीज थी वो यही दी गई थी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग को जरूर मद्देनजर रखें, और इसके लिए एक अलहदा बोर्ड तश्कील दिया जाए, वो एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब करे, और उसके बाद पुलिस रूल्स को देखते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो की जाए। अब 2 सालों में जैसा कि 5 IG तब्दील हुए तो 1 IG को सिर्फ 5 माह पंजाब मिलते हैं, जी सिर्फ पंजाब की बात हम कर रहे हैं, तो 1 IG को 5 माह आप देते हैं, तो 5 माह में किस तरह से खदोखाल चेंज होंगे, किस तरह से पुलिस इस्लाहत हो पाएंगी? और दूसरी जानिब आप बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है बजट का वो ट्रांसफर और पोस्टिंग में जाया कर रहे हैं, तो किस तरह आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, किस तरह से थानों की हालत ज़ार बेहतर होगी? यानी कि राय साहब बराह रास्त सिर्फ ट्रांसफर अगर ये अवामी मुफाद में होता तो अवाम का पैसा ट्रांसफर और पोस्टिंग में क्यों जाया किया जा रहा है, यह भी अवाम को बताया जाए कि 90 जो है एक ही मर्तबा में SDPO चेंज हम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो खर्चा है वो 3 करोड़ से ज्यादा है, जबकि 3 या 5 करोड़ का जो फिगर है अगर आप उसको लाहौर के सिर्फ थानों के ऊपर लगा देते हैं, लाहौर में कई थाने ऐसे हैं जिनके पास जाती बिल्डिंग मौजूद नहीं है, अगर आप उनके ऊपर लगा देते हैं या आईओ को पैसे दिए जाते हैं या इसी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसे लगा देते हैं, तो मेरे ख्याल में काफी हद तक जो शिकायत आयात हैं उनमें कमी बाकी होगी, आम जो साहिल आता है उसको आसानी के साथ जो इंसाफ है वो मिल सकेगा, पुलिस के अंदर रिश्वत सताने का जो निजाम है वो ठीक हो पाएगा। सबसे बुनियादी जो वजह है इस वक्त वो ट्रांसफर और पोस्टिंग है, जिसकी वजह से डिलीवर नहीं हो पा रहा, और यही वजह है कि हर 2 माह बाद SDPO आप चेंज कर देते हैं, ASP आप चेंज कर देते हैं, इंतजामी अमूर जो है उससे छेड़छाड़ करते हैं, आप जिसे आप अभी कह रहे थे कि बॉस होता है पुलिस का उसको बार बार तब्दील कर दिया जाता है, तो किस तरह हर मर्तबा एक नया जो IG आता है आने के फौरन बाद जो है वो DSPs को चेंज करता है, ASPs को चेंज करता है, तो साथ साथ उसके अब पैसे भी लग रहे होते हैं। जी यकीनन आप दुरुस्त बात कर रहे हैं उमर बाबर, पोस्टिंग और ट्रांसफर्स होनी चाहिए, ये एक मैकेनिज्म है पूरी दुनिया के अंदर चलता है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर यह हरगिज नहीं होता कि हर 2 माह बाद 5 माह बाद आप स्टाफ को तब्दील करते रहे। वो लोग जो सिलेक्शन करते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी सिलेक्शन के मैयार को ऐसा रखें कि 2 माह बाद, 4 माह बाद, 5 माह बाद आपको तब्दीलियां ना करनी पड़े। अगर ये तब्दीलियां करनी पड़ती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप खुद नाअहल हैं, आपकी सिलेक्शन के अंदर इतना दमखम नहीं है कि आप अहल लोगों को सिलेक्ट कर सकें। बैस्टर साहब, पूरी दुनिया के अंदर क्या इसी तरह तकर्रियां और तबादले होते हैं कि हर 2 माह बाद, 4 माह बाद, 5 माह बाद आप तकर्रियां और तबादले कर देते हैं? आवाम को तो यही मालूम नहीं है कि इन तकर्रियों और तबादलों के पीछे उनका खून किस तरह निचोड़ा जाता है, किस तरह उनके हक हलाल के टैक्स के पैसे जो हैं उनके ऊपर ढाका डाला जा रहा है। जी, कतन ऐसे नहीं है, किसी भी दुनिया के महज़ मुल्क के अंदर ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है। उमर बाबर साहब ने जैसे फरमाया, उन्होंने स्टोरी का एक साइड हमें दिखाई है, दूसरी कसदन उन्होंने छुपा ली है या वो बताना नहीं चाह रहे, वो ये है कि ये पोस्टिंग और ट्रांसफर एक कारोबार है यहाँ।
ये एक ओपन सीक्रेट स्टोरी है यहाँ पर। आप पंजाब असेंबली चले जाएं, आप नेशनल असेंबली चले जाएं, आपको बहुत से हमारे मेंबरान असेंबली और बहुत से बासर शख्सियात उनकी बगलों में फाइलें पोस्टिंग और ट्रांसफर्स की जो वो दबी होंगी और वो लेके बैठे होंगे कि मेरे चहेते को वहाँ से वहाँ पोस्टिंग करवा दी जाए और मेरे चहेते को वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया जाए। तो ये एक कारोबार बन चुका है और इसके पीछे एक ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है जो उन इलाकों में काम करता है और वो उन इलाकों में अपने मर्जी के अफसरान को बुलवाना या वहाँ से निकलवाना, ये उनका एक बिजनेस है। तो इस सब हालात अच्छे हों अगर किसी रियासत के, तो आप इस किस्म के शोशा और ढकोसले जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस किस्म के हालात के अंदर गुजर रहा है, क्या ये पैसे उन लोगों से वसूल नहीं किए जाने चाहिए जो इस किस्म की नाअहल लोगों की तकरारियां और तबादले कर देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इनके इनके लिए एक मैकेनिज्म मौजूद है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फैसला मौजूद हैं जिनके अंदर उन्होंने ये कहा है किसी सरकारी अफसर को रोलिंग स्टोन ना बनाया जाए, उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है, उसके फैमिलीज जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब एक एक सरकारी अफसर जिसने बड़ी जिम्मेदारी से काम करना है, आप बिल्कुल बुनियादी अफसर की बात करें पुलिस में, वो SHO है, उसको कई माह या कई साल चाहिए अपने इलाके को समझने के लिए, उस इलाके में मौजूद जो क्राइम में मुलविस लोग हैं उनको समझने के लिए, उनको डील करने के लिए, अमन व अमान कायम करने के लिए। और अगर जिस तरह 2-3 माह बाद जैसे ऊपर से शुरू होती है एक एक कहानी नीचे तक आ जाती है, तो इस तरह ये इनकी कारकर्दगी शदीद तरीके से मुतासर होती है और उसको संभालना फिर एक लंबा अरसा दोबारा चाहिए नए अफसर को आने के बाद उस इलाके को कंट्रोल करना। तो ये सारी सूरत हाल है, इनको देखना चाहिए कि मुल्क के अंदर पहले ही हालात जो है इस काबिल नहीं है। तो ये बुनियादी इकाई है, एक SHO के पास उसका एरिया एक बुनियादी इकाई है, इसी तरह जो हमारे प्रोविंशियल मेंबरान असेंबली के उनकी एक बुनियादी इकाई, इस तरह नेशनल असेंबली का एक हल्का। तो ये छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप जो मामला चलते हैं। वजीर आजम जब इक्तदार के अंदर नहीं थे तो तब शरफ सिस्टम की बात किया करते थे, जिसके अंदर कम्युनिटी के अंदर से कुछ लोगों को तैनात किया जाता था जो तमाम तर थाने के हालात को बेहतर करने और उनकी निगरानी का काम किया करते थे। लेकिन क्या कीजिए उस इंजेक्शन का, जिस इंजेक्शन ने सभी कुछ भुला दिया। हम तवक्को करते हैं कि खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक एक और इंजेक्शन उन्हें ठोक दिया जाए ताकि हमारी जो हालत है वो भी कुछ संभल सके और संवर सके। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो FBR के अंदर होने वाले डाके की बात करेंगे, वो डाका किसने डाला, किसको सजा मिली और कौन जजा लेकर चला गया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफी बरहम नजर आई आज FBR के ऊपर, बल्कि सरजनिश भी की गई। आज शब्बर रिजवी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए। मामला चल रहा था गैर कानूनी रिफंड केस का, करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के खजाने से निकलवा लिए गए। दो अफसरान मुलविस थे, एक को सजा दी गई, एक को जजा दी गई। ये कौन सा कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। स्टोरी क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अल्लादाद सदीकी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अल्लादाद जी, गैर कानूनी टैक्स रिफंड केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराई में 3 रुकनी बेंच ने समाप्त की। चेयरमैन FBR शबर रेड्डी भी अदालत में पेश हुए। FBR ने रिफंड के हवाले से रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई। कब ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई ये कहना था चीफ जस्टिस का। हमने रिपोर्ट जमा कर दी है, वकील FBR का ये कहना था। रिपोर्ट में अशफाक जीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई ये है, ये वकील FBR का कहना था। 874.7 मिलियन रुपए जो सरकार के चले गए हैं, इसकी रिकवरी के लिए आपने क्या किया ये कहना था चीफ जस्टिस का। आप ये रकम कैसे वापस लेंगे ये भी उनका कहना था। इस मौके पर शबर देव ने कहा कि FBR अपने तौर पर रिकवरी कर रही है, रिकॉर्ड के बगैर आपने इंक्वायरी कैसे की ये चीफ जस्टिस का कहना था। साफ गुजर गया, आप उसकी लकीर पर लाठी मार रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा ये कहना था जस्टिस सज्जाद अली शाह का। अगर हमने अपील मुस्तरद कर दी तो फिर क्या होगा ये कहना था चीफ जस्टिस का। डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कौन था ये भी चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा। एडिशनल कमिश्नर थे ये कहना था वकील FBR का। क्या मंजूरी एडिशनल कमिश्नर ने दी ये
जब चीफ जस्टिस ने पूछा तो इस पे बताया गया कि एडिशनल कमिश्नर ने रिफंड की मंजूरी नहीं दी। जस्टिस एजाजुल हसन के एडवोकेट पर कहना था कि इसका मतलब है एडिशनल कमिश्नर का कोई किरदार नहीं था, और गवर्नर बोर्ड ने इंक्वायरी से इंफाक क्यों नहीं किया ये भी पूछा चीफ जस्टिस का। वो दस्तावेजात कहाँ है जिसके जरिए मंजूरी हुई ये भी कहना था चीफ जस्टिस का। दस्तावेजात इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं ये कहना था वकील एफटीआर का, जिस पर असल में कहा कि इसका मतलब है वो एडिशनल कमिश्नर नहीं डिप्टी कमिश्नर ने मंजूरी दी। शबर जैदी साहब आप सीट पर बैठे हैं, एक मौका पर उनको वापस सीट पर बिठा दिया, और अगर डिप्टी कमिश्नर मिजाज थे तो एडिशनल कमिश्नर दरमियान में कहाँ से आगे ये पूछा था जस्टिस एजाजुल हसन का। और सुप्रीम कोर्ट एफटीआर 3 माह में डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स अब्दुल अमीर जी बहुत बहुत शुक्रिया देखिए आपका। एफटीआर के अंदर गैर कानूनी तौर के ऊपर रिफंड लोगों को दिया गया, और ये रिफंड कोई 2-4-5 लाख की बात नहीं, ये करोड़ों रुपए की बात है। और आज सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से काफी ज्यादा कंसर्न नजर आई, बल्कि उसने तो यहां तक पूछा कि अब ये रकम वापस कैसे ली जाएगी। सांप गुजर गया है अब आप लकीर पीट रहे हैं, ये शब्बर रिजवी के साथ डायलॉग भी हुआ, मुकालमा भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, इसका कोई जवाब शब्बर रजा रिजवी नहीं दे सके। बस असलम शेख साहब टैक्स के मामला को आप भी देखते हैं, अगर कोई इस किस्म का गैर कानूनी रिफंड हुआ हो और करोड़ों के मामला हो तो ये रिफंड कैसे वापस लिया जाएगा? आज सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से काफी ज्यादा कंसर्न नजर आई। जी सर, ये तो सीधी सीधी करप्शन है और इस पर FIR मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और मेरा ख्याल से हुआ भी है, लेकिन आप जैसे आपने स्टोरी ब्रेक की है कि उसमें से एक को छोड़ दिया गया है जो बाहर मुलजिम है और दूसरे को चार्ज किया गया है। ये अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है, 3 माह के अंदर ये इंक्वायरी कंप्लीट कर। अब आपको मैं बताता चलूं कि जो रेगुलर कारोबारी अशखास हैं, सेल्स टैक्स के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि अगर वो किसी भी मरहले पर कोई जायद टैक्स दे देते हैं या उनकी परचेज ज्यादा हो जाती है, टैक्स कम गया हुआ है, तो वो एडजस्ट करवाते हैं। अगर ज्यादा चला गया उसको रिफंड करवाते हैं। बाद में ये देखा जाता है कि आपने बिजली के बिलों की मद में कितना टैक्स पे किया, बच्चों की फीसें क्या हैं, आपके मोबाइल फोन के टैक्स क्या हैं, जब उसके साथ उनके कारोबारी टैक्स को मैच किया जाता है तो फिर अवैल्यूएशन की जाती है, आपने जायद टैक्स तो नहीं दिया। जी हर महीने जायद टैक्स का एक मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो मैकेनिज्म को इन ब्यूरोक्रेसी ने बहुत स्लो रखा होता है। रिफंड जो है वो सबसे स्लो है और कलेक्शन जो है वो सबसे तेज करते हैं, तो ये जो बीच में डिफरेंस आ जाता है उसको ये इंजॉय करते हैं, जिसका फ़ायदा बाज़ औक़ात इस किस्म के जो मैं कहूँगा कि जो चोर टैक्स गुजार हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और साथ उनके जो हमारा FBR का अमला साथ उनके मिल जाता है और इस किस्म की स्टोरीज ब्रेक होती हैं। अब सूरत हाल ये है कि जब आप रेगुलरली उन रिफंड्स को क्लियर नहीं करेंगे तो वो एक बर्डन इकट्ठा होता रहता है, और फिर उसके बाद कोई चोर रास्ता निकाल के और किसी को नवाज दिया जाता है। सर, ये रकम वसूल किससे की जाएगी, उन अफसरान से जिन्होंने ये रिफंड के अहकाम जारी किए, या फिर वो लोग जो ये रकूम लेकर जा चुके हैं जो आम शहरी हैं? जी करप्शन जिन्होंने की वो भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और जो बेनिफिशरी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, दोनों ही इन्वॉल्व हैं, और किसी के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। ये पब्लिक एक्सचेकर का मामला है, कौमी खजाना है, लोगों के पैसे हैं, इसके ऊपर किसी भी किस्म की रियायत जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट देने को तैयार है और ना ही होनी चाहिए। एब्सोल्युटली ये इसे देखें कि जो बाकी लोग जो टैक्स देते हैं उनका एतमाद शेक होगा, वो बदएतमादमी आएगी, वो पहले ही मौजूद है जो इस लिहाज से कि लोग जो टैक्स गुजार हैं वो चीख रहे हैं कि हम लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद हमारे साथ ये मामला होता है। और जब ये खबरें आएँ कि टैक्स किसी ने दिया नहीं और चोरी करके करोड़ों रुपया ले गया और उसको पूछा नहीं गया, एक को छोड़ दिया गया और एक को भी बराए नाम उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये पूरा टैक्स सिस्टम कोलैप्स करने वाली बात है। तो इस किस्म के मामलों के ऊपर इंतहाई संजीदगी से मैं कहता हूँ कि मुल्क के जो आला जो कानूनी इदारे हैं उनको हरकत में आकर इसका फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, और उसको एक मिसाल बना देनी चाहिए कि टैक्स चोरी जो है वो इतनी आसान नहीं है, और टैक्स करप्शन उससे बड़ा जुर्म है, क्योंकि टैक्स चोरी एक अलहदा चीज़ है कि जब जहाँ पर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं या उसमें से कोई रास्ता निकाल लेते हैं जो कानून में दिया गया हो, अदरवाइज आप जब टैक्स की चोरी के बाद उसको करप्शन में लेके जाते हैं तो ये बड़ा संजीदा मसला है। ये एक संजीदा मसला है, और इमरान खान साहब इस संजीदा मसले को आप एड्रेस करते रहे हैं। उस वक्त जब आप अपोजिशन के अंदर थे, ना सिर्फ हम बल्कि तमाम मीडिया हाउसेज आपको ये बात याद करवाते रहते हैं, आपको नॉक करते रहते हैं कि खुदारा याद कीजिए उन वादों को जो वादे आपने अपोजिशन के दौर के अंदर किए थे। आप तमाम डिपार्टमेंट्स को तो शायद 1-1.5 साल के अंदर ठीक ना कर सकें, लेकिन कोई एक डिपार्टमेंट तो ठीक कर लीजिए। टैक्स कलेक्शन के हवाले से आपने बहुत
बहुत बड़ी बातें की थी, आपने कहा था कि टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ तो टैक्स कलेक्शन चोरी हो रही है। खुदारा कुछ तो कीजिए ताकि अवाम, वो लोग जिन्होंने आपको वोट दिए थे, वो अपोजिशन वालों को, अपोजिशन के कारकुनान को, उनके सपोर्टर्स को मुंह दिखाने के काबिल तो रह सकें। अगली कहानी की तरफ आपके लिए चलें। अगली कहानी कोरोना वायरस से मुतल्लिक है। कोरोना वायरस एक ऐसा खतरनाक मूजी वायरस है जिसकी वजह से सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। पूरी दुनिया के अंदर इसके सस्पेक्ट्स जो है वो मंजरेआम पर आ चुके हैं और अब एक और पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इत्तला दी गई है, तंबीह की गई है, आगाह किया गया है, बल्कि वार्निंग दी गई है कि मीट मत खाएं, बकरे या बकरी का गोश्त हरगिज ना खाएं, क्योंकि कोरोना वायरस इन बकरे और बकरियों के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है। असल हकीकत हाल क्या है? क्या ये पोस्ट कानूनी है? क्या इस पोस्ट का वाकई कोई वजूद मौजूद है? क्या ये पोस्ट हकीकत से कोई तालमेल रखती है या फिर सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सैफुल्ला दरवेश मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी सैफुल्ला जी, बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी का मौका और उनकी तस्दीक बिल्कुल सामने आई है कि कोरोना वायरस की कोई ऐसी जो चीज है किसी भी जानवर में नहीं पाएगी। सोशल मीडिया पे जो एक खास किस्म का जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है वो सरासर जाली और झूठ पर मबनी है। जो डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी एंड फार्म मेहमान, उनका भी यही कहना है कि जो सोशल मीडिया पर जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है इससे पंजाब फूड अथॉरिटी का किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसकी इसका उन्होंने बल्कि इनकार किया है और अपनी ऑफिशियल जो उनकी पंजाब फूड अथॉरिटी की साइट है उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने इसको मुस्तरद किया है, इस तरह के जो प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो दरवेश, क्या पाकिस्तान पोल्ट्री और ये दीगर जो मीट के प्रोडक्ट्स हैं इनको कहीं से इंपोर्ट करती है? बैरून मुल्क से कोई गोश्त आता है पाकिस्तान? बल्कि पाकिस्तान तो एक्सपोर्टर्स में शामिल है। जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है, बल्कि पंजाब फूड अथॉरिटी का ये भी कहना है कि जो इस तरह के एक्सपोर्टर हैं या जो इंपोर्ट किया जा रहा है उनकी भी बाकायदा जो है हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा चेकिंग शुरू कर दी है ताकि ये वायरस किसी तरह से भी किसी जानवर के जरिए या किसी भी इस तरह के मीट प्रोसेसिंग में ना आ सके पाकिस्तान। तो उन्होंने बाकायदा इसके लिए जो SOPs हैं वो भी जारी कर दी हैं पंजाब फूड अथॉरिटी ने, और पंजाब फूड अथॉरिटी के DG जो हैं इरफान मेमन का कहना है कि हमने बाकायदा जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी जो जानवरों का गोश्त खासतौर पर बकरे का या गाय का गोश्त आता है उनकी भी बाकायदा मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा खसूसी जो है टीमें तश्कील दे दी हैं कि उनकी बाकायदा जो है स्क्रीनिंग की जाएगी। उसकी भी स्क्रीनिंग तो की जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने ये झूठी पोस्ट चलाई है, जिन लोगों ने पाकिस्तान की सनत को, इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी पंजाब फूड अथॉरिटी कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है या फिर जुबानी जमा खर्च पोस्ट जाली है ये कह देना काफी होगा उनके नजदीक? राय साहब, इसके लिए बाकायदा जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी जब मेरी बात हुई थी थोड़ी देर कबल पंजाब फूड अथॉरिटी के जो DG है फार्मे, उन्होंने कहा है कि ये सोशल मीडिया ये पर जो प्रोपोगंडा किया गया है ये साइबर क्राइम के एक्ट में आता है, हमने बाकायदा FIA से रब्ता किया है कि इसको फौरी तौर पर सोशल मीडिया से हटाया जाए और जिन अनासर ने इसको सोशल मीडिया पर आवेदा किया गया है उनके खिलाफ जो है वो भरपूर किस्म की कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानून का शिकंजा सख्त किया जाए ताकि इससे। आई होप के सैफुल्ला दरवेश आप इस हवाले से नजर रखेंगे सारी सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर सरकारी दफातर और महकमे इस तरह कंसर्न नहीं होते, चाहे मुल्क की इंडस्ट्री डूबे या सनत डूबे उनको कोई ज्यादा बॉदर नहीं करते वो लोग। तो आई होप कि आप इस हवाले से कंसर्न रहेंगे, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री पाकिस्तान की सनत का मामला है और आप देखेंगे कि वाकईतन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोग इस घिनौनी पोस्ट को शेयर करने के अंदर मुलव्वस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुल्ला दरवेश आपका, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, आपको बताया कि ये एक फेक और जाली पोस्ट है, इसका पंजाब फूड अथॉरिटी या पाकिस्तान की मीट इंडस्ट्री के साथ हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान इस हवाले से सेफ है। लेकिन फिर भी 4 सस्पेक्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 4 ऐसे अफराद जिनके बारे में शुबा किया जा रहा है, ताहाल तस्दीक उनके हवाले से भी नहीं हुई
हुई, लेकिन चार अफराद सस्पेक्ट हैं जिनकी हवाले से उनको उनके टेस्ट जो है वो भिजवा दिए गए हैं। इस हवाले से आज डॉक्टर जफर मिर्जा जो कि वफाकी मशीर सेहत है, उन्होंने भी मीडिया से खिताब किया। उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी, वो सुन लीजिए। कि पाकिस्तान में इस वक्त एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। कंफर्म जी मैं बता रहा हूँ, तकरीबन चार ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर शुबा था, लिहाजा उनको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, उनके सैंपल्स लिए और उन सैंपल्स के तजिए हो रहे हैं, लेकिन जो शवाहिद हैं और उनकी जो सेहत की सूरत हाल है वो बतदरीज बेहतर हो रही है। इसलिए काफ़ी हद तक यकीन के साथ हम ये कह सकते हैं कि इनको कोरोना वायरस डिजीज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे तकरीबन 28 से 30 हज़ार के करीब पाकिस्तानी चाइना में रहते हैं, इनमें से एक बड़ी तादाद तालिब इल्मों की है जो कि चाइना में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस और मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वुहान सिटी जो कि मंबा है इस डिज़ीज़ का इस वक्त, वहाँ पे 500 से ज़्यादा हमारे तालिब इल्म हैं। हमारी अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये आज की इंफॉर्मेशन है, हमारे चार ऐसे तालिब इल्म हैं कि जिनके अंदर कोरोना वायरस कन्फर्म हो गया है। चार चीन में, चार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, चार हमारे तालिब इल्म ऐसे हैं चीन में इस वक्त कि जिनके सैंपल्स के जब टेस्ट किए गए हैं, क्योंकि उनके अंदर ये अलामत थी, तो उनके अंदर कोरोना वायरस कन्फर्म हो गया है। इसका मतलब यह है कि चार पाकिस्तानी इस वक्त कंफर्म्ड कोरोना वायरस डिजीज में है। डॉक्टर जफर मिर्जा की गुफ्तगू आपने सुनी, तकरीबन चार से पांच अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है लेकिन वो इस वक्त चीन के अंदर मुकीम है। उन लोगों के अंदर इस वायरस के जरासीम पाए गए हैं, उनका इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन ये हरगिज नहीं बताया गया कि उनको वतन वापस लाने के हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। पंजाब के सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड उस्मान का इस हवाले से क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। अलहमदिल्ला पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है तो उसकी मौजूदगी नहीं है। सस्पेक्टेड केसेस हैं, हम तब तक वो कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं तब तक हम उनको सस्पेक्टेड के प्रोटोकॉल में रखेंगे। उनको सेग्रीगेट कर दिया गया है, उनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रख दिया गया है। यहाँ दो बातें बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि इस बात को रियलाइज़ करना कि ये जो बीमारी है इसका इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, यानी कि मरीज़ की हालत देख के उसके मुताबिक उसको दवाई दी जाती है। जब तक टेस्ट ना हो जाए ये कहना कि वो कन्फर्म कैसा है ये भी गलत बात है, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न धरें। बैरिस्टर असलम शेख साहब, एक जाली फेक पोस्ट चढ़ाई गई, उसका किसी एक दो तीन फर्द को नुकसान नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री को इसका नुकसान हो सकता है। एक दिन के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूब सकते हैं, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो सकता है। क्या केस बनता है, एफआईए को गाइड कर दीजिए, उनको 10-15 दिन तो समझ ही नहीं आनी कि ये केस बनता क्या है। ये साइबर क्राइम जो है आप जानते हैं 2005 से काफ़ी एक्टिव है पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस बारे में बड़ा ही गैर संजीदा रवैया रखते हैं। आप देखें कि इससे हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, तीनों शदीद मुतासर होंगी। हमारा कुछ अरसा कबल से हमारा लाइव स्टॉक जो है वो गल्फ़ के इलाके में जा रहा है, उसके अलावा हमारी पोल्ट्री जो है पूरे मुल्क को संभाल रही है, तो ये बड़ी शदीद किस्म की जो गलत खबर फैलाई गई है इसके बारे में, जो कानून ये कहता है कि कम अज़ कम 5 साल सज़ा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना तक हो सकता है, ये इंडिविजुअल सूरत हाल में। जब आप नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके आप समझ सकते हैं कि किस कदर संगीन नतायज हो सकते हैं, सज़ाएँ सख्त हो सकती हैं। जी
सजाएं सख्त हो सकती हैं और उन लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए जो शायद शौक शौक के अंदर या फिर वो इसे सदका जारिया समझते हुए, नेशनल सर्विस समझते हुए इस पोस्ट को बगैर तस्दीक के शेयर कर रहे हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो इस नाम नहाद सोशल सर्विस को, इस नाम नहाद नेशनल सर्विस को समझते हुए इस सारी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। खुदारा अपनी पोस्टें वापस लीजिए और लोगों को मुतला कीजिए, बताइए कि यह एक फेक खबर है। पाकिस्तान की पोल्ट्री डेयरी लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री को इस कोरोना वायरस से कोई खतरा लाहक नहीं है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इमरान शमसी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो चाइनीज जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उनके हवाले से क्या फैसला किया गया है और फिर इन चाइनीज की हिफाजत के लिए पुलिस का एक बहुत बड़ा स्क्वाड मुतय्यन किया गया है, उन पुलिस वालों की हिफाजत के लिए भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल सर, आईजी पंजाब की जानिब से जो है तमाम तर जो मेट्रो ट्रेन के साथ जो पब्लिक चाइनीज जो है उनके से जो मुलाजमीन है उनके लिए जो है एक टेस्ट करने के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए जो है टीम तशकील दे दी गई है। उनका ये कहना है कि तमाम उनके टेस्ट करवाए जाएंगे और टेस्ट करवाने के बाद जो उनको मुकम्मल तौर पर जहां जहां पे उनकी ड्यूटीज होंगी वहां पर उनको दोबारा तैनात किया जाएगा और इसके लिए जो है तमाम तक टीमें जो है इसको तस्वीर दे दी गई है। एक आधे दिन तक जो है तमाम जो चाइनीज हैं जो कि मेरे ट्रेन के साथ काम कर रहे हैं जो कि दफातर में और मुख्तलिफ एसपीयू के स्पेशलाइज प्रोटेक्शन यूनिट जो चाइनीज के लिए ही पुलिस को बनाया गया था वो यूनिट के अंदर जो मुलाजमीन है उनके भी टेस्ट करवाए जाएंगे। मुलाजमीन के साथ साथ जो है जो अंदर जो चाइनीज है उनके भी टेस्ट करवाने के लिए जो तमाम तक टीम तस्कीम दे दी गई है और आईजी पंजाब की जो एसपीयू के जो सरपरा है एसपीयू के जो ऑफिसर है उनसे भी मुलाकात हुई है। उनका ये कहना है कि तमाम तर टेस्ट जल्द से जल्द करवा के इसको जो फाइनल किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शमसी। 450 के करीब ये चाइनीज इंजीनियर और अहलकार हैं जिनको उनके कैंपों तक महदूद कर दिया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर काम तकरीबन मुअत्तल होकर रह गया है क्योंकि इन चाइनीज के हवाले से शुभात मौजूद हैं। जब तक इनके टेस्ट नहीं करवाए जाते, जब तक इनको क्लियर नहीं करवाया जाता, तब तक ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम बाज़ाब्ता अंदाज के अंदर नहीं हो सकेगा। और वो पुलिस अहलकार जो इनकी हिफाजत के ऊपर मुतय्यन थे उनके हवाले से भी महकमा दाखिला को खत लिख दिया गया है कि उनकी तिबी सेहत के हवाले से और उनके टेस्टों के हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अपने मेजबान राय हसनैन को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए क्योंकि आप ही तो हैं पाकिस्तान।